अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आए हैं कराची की फूड स्ट्रीट में। यहाँ पे बहुत से फूड अवेलेबल हैं, मतलब ब्रांडेड फूड अवेलेबल हैं, जिस तरह से वो ये है पिशावरी नमक मंडी की कढ़ाई। यहाँ पे सब पिशावरी खाने होते हैं, पिशावर के लोग अक्सर नमकीन खाने पसंद करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सब नमकीन खाने मौजूद होते हैं। और ये है फ्रंटियर रेस्टोरेंट, इनका खाना भी बहुत डिलीशियस होता है। ये फुल इनकी फूड स्ट्रीट है। आप देख सकते हैं कि कराची के लोग खाने पीने के कितने शौकीन होते हैं, हर जगह लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। इनका सिटी सेटअप अच्छा है। चलो, ये निहारी इन, हम आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, ये डेरा है, एक यहाँ पर डेरा, और अभी आप देखते जाए। जी सर, ये खैबर का फैमिली हाल है, उन्होंने खुद ही आपको बता दिया। और ये कराची ब्रोस्ट, कराची तो भी कराची का ब्रोस्ट और कराची की बिरयानी, में पानी आ गया। और ये चिकन चिप्स, ये आप देखते जाए, आगे भी बहुत से नेम्स हैं, आपको दिखाना चाहिए। कभी आपका मूड हो विज़िट करने का कराची, तो आप लोग इस जगह पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी स्ट्रीट है। ये देखें बलोची सज्जी, मतलब यहाँ पे आपको बलोची, कराची, मतलब पिशावरी, सिंधी, सब कुछ, आपको सब वैरायटी आपको मिल जाएगी एक ही जगह पर, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी। फास्ट फूड है, देसी फूड है, जिस टाइप का आप खाना पसंद करें सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन कि जो KFC के दीवाने हैं उनके लिए KFC भी इधर मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये देखिए इंटरनेशनल ब्रांड सबवे, हम आपको भी दिखाना चाह रहे हैं और हम खुद भी विज़िट कर रहे हैं। मैं खास तौर पे, मैं, मेरी सिस्टर, हम फर्स्ट टाइम इधर कराची में आए हैं। हम खुद देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी वैरायटी है इधर, कौन कौन सी चीज़ें हैं। और सच में यहाँ पे बहुत से डिलीशियस फूड्स हैं, हर खाना, जो खाना खाओ बहुत टेस्टी है। तो हम यही आपको, हमें भी यही है कि आप लोग भी देखें, आपको भी पता चले, इन्फॉर्मेशन हो हर जगह की, इस वजह से हम साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखें रोल इन, ये रोल इन है, वो ब्रांड है। और यहाँ पर इनके, हम भी आज यहाँ पर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड है यार, वही हम भी सोचे कुछ डिफरेंट ट्राई करें। जितना कुछ, जो डिफरेंट फूड है, जो डिफरेंट आइटम है, सब अवेलेबल है। मैं तो मतलब देख के हैरान होगी कि एक ही जगह पर इतनी ज़्यादा वैरायटी। तो आज हम भी कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो खुद हम ढूंढ रहे हैं कहीं पर कुछ और, कुछ मज़े का इससे भी ज़्यादा। ये हैदर का कूल इन, यहाँ पे ऑल वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं इसके साथ। ये इंटरनेशनल ब्रांड 1 पोटैटो 2 पोटैटो, ये देखें, ये भी यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ जो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और जो इंटरेस्टेड हैं कराची आने में। कोई अगर आपका आना होता है कराची में, तो मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ मिस ना करें। कुछ भी खाने का है, आपको पता हो कि इस जगह पर ऐसे है, आप इजीली ट्राई कर सकें सब। अंदर बैठने का एसी वाला हाल भी है, बाहर भी आप बोल रही हैं। ये देखिए आगे अभी एक ब्रांड आ रहा है, आई थिंक ईट मी, हाँ ईट मी है। देखें ये है ईट मी ब्रांड, क्लिफ्ट फ्लावर शॉप, ये
ये सच्चा केक्स यहाँ पे, ऑल वराइटी ऑफ केक्स आपको मिल जाएंगे इजीली। ये जी सज्जी और टिक्का बारबेक्यू सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सच्चा ऑसम प्लेस यार, और ये ऐसी जगह है ना कि जहाँ फुल कराची से आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकती है। इस जगह पे आए कुछ भी आपके खाने का दिल है, कुछ भी जिस टाइप का भी, ये फूड स्ट्रीट इतनी बड़ी है और यहाँ पर सब कुछ आपको मिल सकता है। ये बिरयानी वाला और कराची आए हैं तो कराची की बिरयानी तो मिस करना सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये ले सोदिया रह गया था यहाँ पे, सोदिया का फूड भी आपको मिल जाएगा जद्दा। और फाइनली हम पहुँच गए टीपू ब्रोस्ट एंड बर्गर्स में। हमने सुन रखा था कि यहाँ की अच्छा है, टेस्टी फूड है, तो हमने सोचा कि चलो यही ट्राई कर लेते हैं। इट्स टाइम टू सिलेक्शन के मंगवाना क्या, यू नो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, समझ नहीं आती क्या मंगवाएं। एंड फाइनली हमने जिंगर और सूप ऑर्डर किया क्योंकि हमें यही सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था देखने में। अब खा के बताते हैं कि सच में टेस्टी भी है या नहीं। और सूप भी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, अगर अच्छा हुआ तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इधर आकर। और हमने टेस्ट किया, वाकई ही बहुत टेस्टी यम्मी जिंगर और सूप भी बहुत टेस्टी था। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।